हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आलू भुजिया खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन उसे घर में बनाने में कुछ परेशानियां आती हैं। आज मैं आपको आलू भुजिया बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप घर में झटपट आलू भुजिया बनाकर रख लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने ये दो कच्चे आलू लिए हैं, जिन्हें हम चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम रगड़ रगड़ कर दो तीन बार अच्छे से धोएंगे ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए। और ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से दो तीन बार धो लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ है। अब इसे एक मिक्सी के जार में लेकर हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और मिक्सी का ढक्कन बंद कर हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों आलूओं को बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब इधर एक मैंने मिक्सिंग बोल ली है, जिसमें हम दो कप ये मैंने महीन वाला बेसन डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं किसी भी तरीके की भुजिया बनाने के लिए आप महीन वाले बेसन का ही यूज़ कीजिएगा। और इसमें मैं चार चम्मच चावल का आटा डाल दूँगी। चावल के आटा डालने से हमारी भुजिया बहुत अधिक क्रिस्पी बनती है। और ये देखिए, मैंने चार चम्मच आटा डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से हम सूखे मसाले डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप इसे बिल्कुल भी तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच नमक डाल देंगे। और अब इसे एक बिल्कुल बीकानेरी आलू भुजिया का टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच मैगी मसाला डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर घर में अवेलेबल हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इससे आपकी आलू भुजिया एकदम बाजार की तरह बनेगी। अब इसमें आधा चम्मच में बेकिंग सोडा डाल दूंगी और इसे भी सारे मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और अपने पीसे हुए आलू को स्ट्रेनर से छान देंगे ताकि अगर कोई मोटा टुकड़ा बचा हो तो वो ऊपर ही रह जाए। ये देखिए, मैंने अपने सारे आलूओं को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और अब हम इसे जल्दी से इसमें मिक्स कर देंगे, वरना आलू काला पड़ जाएगा। आज हम अपना डो आलू से ही बनाएंगे और अच्छी तरीके से आलू को सारे मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैंने उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटेन हो जाए। जितने अच्छे से आप बेसन को फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके क्रिस्पी सेव बनकर तैयार होंगे, साथ ही साथ बहुत अधिक चिकनी भुजिया बनेगी। ये देखिए, मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और मैंने लगातार अपने बेसन को फेंटा है और बेसन बिल्कुल एकदम से चिकना हो गया है। अब इधर मैंने सेव बनाने वाली मशीन ली है। ये इसमें सबसे छोटी जाली हम डाल देंगे। अगर आप मोटे सेव बनाना चाहते हैं तो मोटी जाली डाल दीजिए, लेकिन आज मैं बिल्कुल इसको बीकानेरी भुजिया की तरह बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें छोटी जाली का ही यूज़ किया है। अब इसमें अपना थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हमें इस मटेरियल को बिल्कुल भी बनाकर छोड़ना नहीं है। आपको जल्दी जल्दी ही इसके सेव बनाने हैं। मैं तुरंत ही इसे मशीन में डालकर इसके सेव बना लीजिए, क्योंकि आलू बहुत जल्दी पानी छोड़ता है
और इसमें नमक पड़ा हुआ है, ये बहुत अधिक गीला हो जाएगा, फिर आपको सेव बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था, ऑयल तेज गरम हो गया है। अब गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और मशीन को घुमाकर सारे हम भुजिया तोड़ देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से भुजिया बनकर तैयार हो रही है। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से टिकने दीजिए, वरना तेज गैस पे ये एकदम से जलने लगती है। और ये देखिए लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने लगी है। अब इसे निकाल कर बाहर कर लेंगे। जब तक हमारी एक बार की भुजिया बन रही हो, तब तक आप मशीन में दूसरी बार का मटेरियल डालकर तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब दोबारा इसी तेल में हम फिर से भुजिया तोड़ देंगे। और ये देखिए दोबारा की भी भुजिया बनकर तैयार हो गई है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी आलू भुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने अपनी सारी आलू भुजिया बनाकर रख ली है। बस मात्र 5 से 7 मिनट में हमारी सारी आलू भुजिया बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। बस 2 चम्मच चावल का आटा डालने से ये बहुत अधिक क्रिस्पी बनेगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से आलू भुजिया बनाकर देखिएगा। एक तो इसे बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस बार होली पर आप इसी तरीके से आलू भुजिया बनाकर इसे स्टोर कर रख लीजिए। आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।